गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इजिप्शियन ऑनलाइन क्लासेस। हमने जैसे अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, आज अपने उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखेंगे, नंबर टाइप। यहाँ अपने को बोलिए जैसे 1/4 और 1/2 के बीच हमको रैशनल नंबर जानना है, तो ये सब चीज़ आपको निकालना इस एक्सरसाइज में सीखोगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर टाइप। आपको क्या बोला है कि दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर क्या दे रखा है 7/4 और दूसरा नंबर आपको क्या दे रखा है -5/6। ये दो नंबर आपको दे रखे हैं और आपको क्या बोला है कि इन दो नंबर को आपको कहाँ शो करना है, नंबर टाइप पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 7/4 को। तो कैसे सॉल्व करोगे 7/4? तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको इससे डिवाइड करो। अपने को डिवाइड देना आता है ना 4 का 7 से, तो अपने डिवाइड देंगे 4 का 7 कितना आएगा, 4 7 में से 4 गया 3। आगे जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 7 28 2 बचा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हमें इतने भी 0 लगा सकते हैं, 4 5 20। तो जब हमने इसका इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1.75, कितना आ रहा है 1.75। ये डिवाइड हमने एक बार समझने के लिए कर रहे हैं, जब अपने कोई चीज़ समझ आ जाएगी ना तो अपने को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दो क्वेश्चन करो मेरे साथ तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 1.75, अपने को कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पे। कहाँ पे शो करना है, नंबर लाइन पे। तो 0 1 2 नंबर लाइन पे ये होता है ना 3 4 5, उस साइड माइनस का चलता है, अपने यहाँ माइनस की वैल्यू नहीं है तो माइनस का अपने को जरूरत भी नहीं है। तो आपने को क्या बोला है 1.75, आपको फर्स्ट नंबर से दिख रहा है ना ये किसके बीच में आया, अगर 0.75 होता तो ये किसके बीच में आता, 0 और 1 के बीच में। 1.75 है तो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। 2.75 होता तो किसके बीच में आता, 2 और 3 के बीच में। तो अपने को पता चल गया 1.75 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हमें सॉल्व करते हैं इसको, ये काम सिर्फ रफली करना, आपको मतलब करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अपने को लाइन ड्रॉ करनी है, तो अपनी जो मेन नंबर है वो ये है। अपने को अपने ने ये पता किया पहले कि हमको किसके बीच में ड्रॉ करना है, तो अपने को पता चल गया ना किसके बीच में ड्रॉ करना है, 1 और 2 के बीच में। तो अपने उतना ही बनाएंगे 0, थोड़ा सा गैप देके बना लेना ताकि बीच में आराम से आ सके, 0 1 और 2 यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब अपने इस पे आते हैं, अपने को ड्रॉ क्या करना है 7/4। सिर्फ अपने ने जो ये काम है वो क्यों किया है, या वही करोगे ना तो भी पता चल जाएगा, कैसे आगे बताइए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, मेन जो आंसर अपना ये है, अपने को क्या करना है 7/4 को इस नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। और अपने को ये पता चल गया कि किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में। चलो अब सबसे पहले आपको क्या पता होगा, जिसके नीचे आप लिख लीजिए, नीचे अब सबके क्या आएगा 4, नीचे कितना आएगा 4। अब 4 0 था 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब इनके बीच में बीच वाले लाइन चल रहे थे, अब नीचे 4 है ना तो कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, 3। ये आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4, यहाँ पे हो गया 8/4। ये अपने ने लिख लिया यहाँ तक। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा, तो 7/4 पे मार करो, तो 7/4 कहाँ है आपका, ये रहा। तो ये हो गया आपका 7/4, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो मतलब आपको क्या करना था, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है। आपको कॉपी में काम कैसा करना है मैं वापस आपको बताती हूँ, मैं ये रब कर देती हूँ ऊपर वाला। आपको क्या करना है, अब देखो मैं सीधा सा बता रहा हूँ, सिंपल आंसर करके बताऊँ मैं, एक और तरीका। तो क्या करना पड़ेगा, देखो सीधा आप ड्रॉ करो 0 1 2, एक बार इतना ड्रॉ करो, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 4, अब जितना होता है उसमें से 3 कम 1 कम लाइन ड्रॉ होती है, 3 3, ठीक है। अब क्या करना है, 4 0 था 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन। तो अब हमें क्या करेंगे, इनके बीच में लिख सकते
ले लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट के बी पार्ट में, ठीक है। ये आप लोग खुद भी ट्राई करो साथ साथ में और एक बार करके भी बता सकते हो। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, आप चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि अगर ऊपर वाला छोटा होता है दैट मींस इसका आंसर 0 पॉइंट आएगा ना, 0 पॉइंट जो भी आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ कितना आएगा, डिवाइड कर लेते हैं 6 का 5 से, आएगा आंसर माइनस में, ठीक है। तो कितना आएगा पॉइंट, यहाँ जीरो लग गया, 6 8 48, 2 बचा और जीरो लगा, 6 3 18.83 समथिंग आएगा, कितना आएगा 0.83 समथिंग। आप लोग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको ये समझाने के लिए कि किसके बीच में बनेगा। तो देखो माइनस कैसे था पहले, तो आपको पता चल रहा है जीरो और अगर माइनस वन माइनस टू ऐसे के बीच में बनेगा, ये तो अपने को समझ आ रहा है क्या बनेगा ये। फिर माइनस वन अपॉन टू हो सकता है, तो आपको रैशनल आप ये भी लिख सकते हो और
ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप सबको कॉमन आंसर लिखना, ये लिख लेना आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने, टू से छोटा वन होता है, वन का हाफ, फिर जीरो माइनस वन माइनस वन अपॉन टू, और भी आगे लिख सकते थे अपने, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका है, तो आइए अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर आपको क्या मिला है, फाइव टेन रैशनल नंबर बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई टू। आपको कितने भी पूछ सकते हैं रैशनल नंबर, टेन बताओ, ट्वेंटी बताओ, फाइव बताओ, सेवन बताओ, तो आपको जितने भी पूछे उतने बताने, आप ज्यादा भी बता सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल नहीं बता सकते। तो आइए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या मिला है कि माइनस टू बाई फाइव और वन बाई टू के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर बताने हैं, टेन रैशनल नंबर बताने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना काम होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, तो जब भी ऐसा भी काम होगा कि मुझे बोला जाए कि रैशनल नंबर बताने हैं, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इनके डेनोमिनेटर जो होंगे उनको क्या करूँगी, सेम करूंगी। तो यहाँ पे टू है तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना था फाइव, तो यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार आप नोट मत करना, पहले आप देखते हैं, ठीक है, रखिए काम करते हैं। टू इंटू टू फोर, फाइव टू जा टेन, यहाँ पे फाइव टू जा फाइव, फाइव टू जा टेन, अपने को इनके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए, टेन। तो अपने देखते हैं क्या रैशनल नंबर, देखो माइनस थ्री बाई टेन, माइनस टू बाई टेन, माइनस वन बाई टेन, जीरो अपॉन टेन, वन अपॉन टेन, टू अपॉन टेन, सॉरी थ्री अपॉन टेन एंड फोर अपॉन टेन। कितने रैशनल नंबर हैं, टेन है क्या, पहले आप देखो कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, मतलब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर है, सिर्फ एट रैशनल नंबर है। तो अपना काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अपने कितने रैशनल नंबर चाहिए, टेन चाहिए, तो अपने इसको हटा देंगे, अपना इससे काम नहीं चलेगा। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, कुछ बड़े से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीप्लाई टू से नहीं करती, मैं फोर से कर लेती हूँ सीधा, किससे कर लूँ, फोर से, थ्री से भी करके देख सकते हैं, लेकिन फिर अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा आप क्या करो, थोड़े से बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ताकि आपको आंसर आ ही जाए, ठीक है। पीछे आंसर मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर अलग अलग निकल सकते हैं, आप चाहे फोर की जगह फोर करिए और फाइव से भी करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, बस आपको रैशनल नंबर कितने लिखने हैं, कोई भी टेन लिखने हैं, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करो, बड़े से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा। अब आप ये करो, माइनस टू इंटू फोर माइनस एट अपॉन में ट्वेंटी, इधर इधर भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर से, फोर वन जा फोर, सॉरी 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 वेट, अपने को रैशनल नंबर तो इक्वल करना है ना, अपने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले रैशनल नंबर इक्वल कर रखा था ना, यहाँ पे टू को यहाँ पे फाइव को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, माइनस फोर अपॉन टेन और फाइव अपॉन टेन, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इनका रैशनल नंबर क्या है, सेम। तो माइनस फोर अपॉन टेन और फाइव अपॉन टेन कितना मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं वापस टू का ही कर देती हूँ, ठीक है, वापस डबल कर देते, पहले टू का किया फिर मैंने और डबल कर दिया कि अब तो बड़ा हो गया, अब तो आ ही जाएगा, माइनस फोर इंटू टू माइनस एट अपॉन ट्वेंटी, इधर फाइव टू इधर टेन अपॉन ट्वेंटी, यहाँ तक कितना नहीं, अभी के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, कितने भी लिख दो, माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी, सिक्स अपॉन ट्वेंटी, फाइव अपॉन ट्वेंटी, फोर अपॉन ट्वेंटी, थ्री अपॉन ट्वेंटी, टू अपॉन ट्वेंटी, वन अपॉन ट्वेंटी, जीरो अपॉन ट्वेंटी, वन अपॉन ट्वेंटी, टू अपॉन ट्वेंटी, मतलब टेन तक आप लिख सकते हो, ठीक है, नाइन अपॉन ट्वेंटी तक, तो कोई से भी दस लिखने हैं ना तो चाहिए कंटिन्यू, थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये एट रैशनल नंबर, नाइन बाय ट्वेंटी तक आप कोई बीच में से उठा के लिख सकते हो और कंटिन्यू ये भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ टू, यहाँ पे दोनों तरफ फाइव, ताकि मेरा क्या हो जाए, डेनोमिनेटर सेम हो जाए। अब मैं तो देखता इनके बीच में दस रैशनल नंबर नहीं आएंगे, तो मैंने फिर और टू से डबल कर दिया, फिर टू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे रैशनल नंबर आ गए, या फिर मैं थ्री से भी कर सकती थी, फोर से भी कर सकती थी, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपके फर्स्ट का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट के बी पार्ट, अच्छा फोर्थ में एक ही है, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए तो आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपको क्या बोला है कि
कि फाइंड फाइव फ्रैक्शनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5. इसमें तीन दे रखी है, इसमें दो मैं कर पाऊंगी, तीसरा आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने फोर्थ क्वेश्चन किया वो भी ऐसा ही था. तो फिफ्थ के दो मैं करवा देती हूँ, एक आप खुद करना, ठीक है. तो क्वेश्चन के मैंने क्या रखे हैं, आपने कितने पूछे, पांच पूछे हैं. तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, डेनोमिनेटर्स इक्वल करना. तो अपने वही काम करेंगे, 2/3 है इधर, 4/5 है ये, 5 है इधर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 है इधर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई, जिससे क्या होगा कि मेरी इक्वल आ जाएगी डेनोमिनेटर. 5 × 10 और 5 × 3 = 15, इधर 4 × 12, 5 × 15. अब अपने को सामने ही दिख रहे हैं, आपने कितने रेशनल नंबर पूछे हैं, 5, और इनके बीच में कितने रेशनल नंबर, मतलब 1, 11/15 और नहीं है ना. तो अपने कुछ बड़े से मल्टीप्लाई कर देता है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं सोच के देखूँ, मैं 2 से करूँ तो 10 × 20 आएगा, 12 × 24, तो 20 और 24 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, 3, तो 2 से भी नहीं चलेगा, 3 से करके देखते हैं, मे बी 3 से हो जाएगा, नहीं होगा तो 4 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 10 × 3 = 30, 15 × 3 = 45, इधर 12 × 3 = 36/45 आ जाएगा पांच रेशनल नंबर, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45. कितने पूछे थे अपने को, 5, और ये रहे वो 5. आप चाहो तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो मैं थोड़े से पास कर देती हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए हो गया. बी और समझा देती हूँ, सी आप खुद करोगे. इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके जो डेनोमिनेटर्स है उनको क्या करोगे, इक्वल करोगे. इधर किसका मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ 3 का, इधर किसका मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ 2 का. तो कितना आएगा, 5 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, इधर 5 × 10, 3 × 2 = 6. अब देखो माइनस 9 है और प्लस 10 है, तो कितना इनको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -8, -7, -6, -5, -4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितना ज्यादा है. तो इनके बीच में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे अपने आप लिख सकते हो, 8/6, 7/6, 6/6, कुछ इधर से भी ले सकते हो, चाहे 1/6, 2 प्लस का ले सकते हो, माइनस का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. मैं कंटिन्यू भी लेती हूँ, मैंने कंटिन्यू ये 5 ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको. तो ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए इनके बीच में. अब जो सी है वो आप खुद करोगे, 1/4 and 1/2, ठीक है. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, राइट 5 फ्रैक्शन नंबर ग्रेटर देन माइनस 2. आपने पहले क्वेश्चन आया था कि 5 फ्रैक्शन नंबर स्मॉलर देन प्लस 2 था, तो अपने माइनस में जा रहे थे. इस बार क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन माइनस 2. जैसे मैं आपको नंबर 9 में लिखा हूँ, ये माइनस 2, इससे पहले माइनस 1 भी होता है, 0 + 1 + 2, ये सब हो जाता. तो मैं ये भी लिख सकती हूँ सीधा, जैसे मैंने बताया कि सीधा मैं ये भी लिख सकती हूँ, 5 पूछा ना, ये 5 भी लिख सकती हूँ. लेकिन अगर मेरे को मैं चाहती हूँ मैं रेशनल नंबर अपोन भी लिखूँ तो वो भी चलेगा. क्या क्या लिख सकती हूँ, माइनस 2 से छोटा क्या होगा, -1 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, और +1/2 हो सकता है. तो आप ये 5 कहाँ लिख दोगे, इधर लिख दोगे, ग्रेटर देन माइनस 2. ये सारे क्या है, -2 से बड़े. क्या लिखोगे, -1 - 1 - 1/2, 0 + 1 + 1/2, और बाकी कोई से भी फ्रैक्शन लिख सकते हो, 3/4, 7/4, 8/4, 9/8, मतलब कुछ भी फ्रैक्शन लिख सकते हो. क्यों, क्योंकि इसने बोला ना माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, तब कोई भी लिखो. मैंने बस कंटिन्यूटी के लिए ये लिखा है, अगर ये लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बेटर आंसर है, ठीक है. तो आइए अपने चलते हैं अपने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्या बोला है, फाइंड 10 रेशनल नंबर. इनके बीच में कितने निकालना है, 10. आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, मैं करवा रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है, जैसा आपने पहले क्वेश्चन किए वही क्वेश्चन है. तो सबसे पहला काम डेनोमिनेटर इनके क्या करना है, हमें हमें सेम करना है. तो इधर दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करूँ, 4 का, और इधर दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 5 का. 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20. अगर मैं इनके बीच में देखूँ 12 और 15 के बीच में 10 आएगी क्या, नहीं, 13 और 14 दो ही आ रहे हैं ना, छोड़ो कुछ बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं. अब मैं बाहर का इरेज करने से बेटर सीधे एक बार बड़े से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 2 इनके बीच में आ गए, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सीधा ही. आप 7 से भी करके ट्राई कर,
160, इधर कितना आएगा 58 से कितना होता है 120 अपॉन 160, ठीक है। यहां तक हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, इनके बीच जितने भी नंबर्स आप लिख सकते हो, कितने पूछ रहे हैं 97 98 99 100 101 102 और कितने पूछा मेरे को 103 104 कितने हो गए 3 6 7 8 और नहीं कितने हमारे पास वैसे भी बहुत सारे हैं 105 106 107 जितने पूछे हैं लिख सकते हो। आपको 10 पूछे हैं आप कोई भी 10 लिख सकते हो। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने ने क्या किया एक्सरसाइज 1.2 के 1-7 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें बस एक जो पार्ट है वो एक आपको करना है, बाकी अपना जो